जैसा कि मैंने कल आपको चैप्टर 2 का पढ़ाया था एनिमल राउंड अस, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, पेट एनिमल के बारे में। आज इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपको पढ़ाएंगे वाटर एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स के बारे में। सब एनिमल्स लिव इन वाटर, कुछ जो जानवर होते हैं वो पानी में रहते हैं। दे कैन नॉट लिव ऑन लैंड, वो जमीन पे नहीं रह सकते हैं। फिश, फ्रॉग, स्टारफिश एंड क्रोकोडाइल लिव इन वाटर। फिश, फ्रॉग, स्टारफिश और क्रोकोडाइल है, ये पानी में रहते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर एनिमल। अब है बर्ड्स। बर्ड्स हैव टू लेग्स फॉर वॉकिंग एंड ए बीक टू ईट फूड। बर्ड्स जो है पक्षी जिसको बोलते हैं हिंदी में, उनके दो पैर होते हैं और उससे वो क्या चलते हैं और अपने फूड को, भोजन को पकड़ते हैं। दे हैव विंग्स एंड फैदर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। उनके पास पंख होते हैं जिससे वे उड़ते हैं, पंख के सहारे वो उड़ते हैं। पैरोट, पिजन, ईगल्स, पिकॉक एंड स्पैरो आर सम कम बर्ड। पैरोट, पिजन, ईगल, पिकॉक एंड स्पैरो, ये सब बर्ड्स हैं। There are some birds which cannot fly. कुछ ऐसे पक्षी जो होते हैं वो उड़ नहीं सकते हैं, उनमें ऑस्ट्रिच, ईमो, पेंगुइन, ये सब जमीन पे चल सकते हैं बट ये उड़ नहीं सकते, क्योंकि इनका वेट जो होता है वो ज्यादा होता है, भारी होने की वजह से ये उड़ नहीं सकते। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको पढ़ाएंगे इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े के बारे में। इंसेक्ट आर वेरी स्मॉल एनिमल्स, इंसेक्ट कीड़े जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। दे हैव सिक्स लेग्स, इनके छह पैर होते हैं। दे हैव विंग्स टू फ्लाई, इनके पास भी पक्षी के की तरह इनके पास भी विंग्स होते हैं जिसके सहारे ये उड़ते हैं। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई एंड कॉकरोच आर सम ऑफ द एनिमल्स। हाउस फ्लाई, फ्लाई मधुमक्खी, बटरफ्लाई कॉकरोच, तिलचट्टा जिसको हिंदी में बोलते हैं, एंड चींटी, ये सब इंसेक्ट है। और हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई और कॉकरोच इनके पास विंग्स होते हैं जिसके सहारे उड़ सकते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक एंट कैन नॉट फ्लाई, एंट जो होती है चींटी, ये नहीं उड़ सकती क्योंकि इनके पास विंग्स नहीं होते। चलो, हाउ डू एनिमल्स एंड बर्ड्स लुक अफेक्ट देयर बेबीज। एनिमल्स और बर्ड्स कैसे अपने बच्चों की देखभाल करते हैं इसके बारे में बताते हैं आपको। लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर यंग्स वन टिल दे ग्रो अप। ह्यूमन बींग्स की तरह एनिमल्स जो होते हैं और पक्षी, ये भी अपने बच्चों के देखभाल करते हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं। बर्ड्स ने एक इनर नेस्ट, बर्ड्स जो होती है पक्षी, वो अपना अंडा नेस्ट यानी कि घोंसले में देती हैं। They feed their babies birds and save them from illness till they grow up. और ये अपने बच्चे को सेव रखती हैं, जब वो सारी सुरक्षा देती हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं। Animals give birth to baby and feed their young ones with their milk. और जो पक्षी और जो जानवर होते हैं वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं, और पक्षियां जो होती हैं वो अपने बच्चों को फिर भोजन जो जगह जगह से इकट्ठा करके लाती हैं और अपने बच्चे को खिलाती हैं। और ये चैप्टर आपका यही खत्म होता है। एक चीज और आपको इम्पोर्टेंस बता दूं, वाटर एनिमल फिश, फ्रॉग, स्टार फिश, क्रोकोडाइल, ये हो गंगा नमो नमः।